अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस ना कर पाएं। शुक्रवार को दिल्ली रेड डेविल्स को इस आईपीएल सीजन की दूसरी जीत नसीब हुई, जिसके हीरो नए कप्तान श्रेयस अय्यर रहे। उन्होंने 93 रनों की कप्तानी पारी खेली। कप्तानी छोड़ने के बाद गंभीर इस मैच में टीम का हिस्सा नहीं थे। जब नए कप्तान श्रेयस से गंभीर के नहीं खेलने की वजह पूछी गई तो उन्होंने इसका खुलासा किया। श्रेयस अय्यर ने बताया कि दिल्ली की कप्तानी छोड़ने के बाद ही गंभीर ने ये फैसला कर लिया था, वो केकेआर के खिलाफ होने वाले मैच में नहीं खेलेंगे। अय्यर ने कहा कि गंभीर को प्लेइंग 11 से बाहर रखने का फैसला मेरा नहीं था, गंभीर ने खुद ये फैसला लिया था ताकि किसी नए खिलाड़ी को उनकी जगह मौका दिया जा सके। ये वाकई साहसिक फैसला था। इस फैसले के बाद गंभीर के लिए मन में इज्जत बढ़ गई है। ये देखना वाकई अच्छा लगता है। जब एक कप्तान अच्छा नहीं खेल रहा हो तो वो खुद को टीम से बाहर कर नए खिलाड़ी को मौका देता है। इस मैच में गंभीर की जगह आए मुनरो ने हमें अच्छी शुरुआत दिलाई। इस मैच में गंभीर की जगह प्लेइंग 11 में कॉलिन मुनरो को जगह दी गई थी। मुनरो ने 18 गेंदों पर 33 रन बनाए और पृथ्वी शॉ के साथ मिलकर दिल्ली रेड डेविल्स को मजबूत शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 59 रन जोड़े। ये इस सीजन में दिल्ली टीम की सबसे अच्छी शुरुआत थी। इस जोड़ी की साझेदारी की बदौलत ही बाद में कप्तान अय्यर और ग्लेन मैक्सवेल बड़े शॉट्स खेल पाए।